हेलो एवरीवन कम वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार छोटी मछली जिसे आज हम बहुत ही अलग और नए तरीके से बनाने वाले हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है तो आप इस तरीके से एक बार छोटी मछली घर पे जरूर बना के देखिए उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं

मूछ और पैर को तोड़ लेंगे आप चाहें तो इसका जो पूछ है उसे भी इस तरह से तोड़ के साफ कर सकते हैं तो अब हम इसी तरह से सारे झींगा मछली को तोड़ के साफ कर लेंगे देखिए मैंने उसी तरह से सारे झींगा मछली को तोड़ के साफ कर लिया है अब इसे हम पानी से धोएंगे तब तो इसमें हम पानी डाल के इस तरह से इसे हल्के हाथों से रफ करते हुए धोएंगे इसे हमें चार से पांच बार पानी में अच्छे से धोना है जब तक कि जो पानी का कलर हो अच्छे से साफ ना हो जाए देखिए मैंने इसे चार से पांच बार पानी से धो लिया है और मछली अच्छे से साफ हो चुकी है अब हम चिंगड़ी मछली को मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम सबसे पहले इसके लिए मसाला रेडी करेंगे तो मसाला बनाने के लिए यहां पे मैंने पांच हरी मिर्च काट के लिया है वन फोर्थ चम्मच साबुत काली मिर्च एक चम्मच साबुत जीरा तीन मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज एक इंच कटा हुआ अदरक एक पूरा लहसुन छील के लिया है अब हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसमें हम एक चम्मच लगभग मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसमें हम मैरिनेटेड चिंगड़ी मछली को ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम चिंगड़ी मछली को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे हमें बीच बीच में उलट पलट करते रहना है देखिए चिंगड़ी मछली अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसी कढ़ाई में फिर से एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम गरम होने देंगे देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम सारे मसालों को ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है जब तक कि जो प्याज है हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए देखिए प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है यानी कि मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम मसाले को हल्के से ठंडे होने देंगे देखिए मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं अब इसमें हम एक मीडियम साइज का पका हुआ टमाटर इसमें कट करके ऐड कर लेंगे अब इसे हम ग्राइंड करके इसका हम फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे देखिए मैंने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और उसी कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे देखिए कढ़ाई जैसे गर्म हो चुका है अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला ऐड कर लेंगे अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे कि इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा और नमक ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि जो मसाला है उससे तेल ना अलग हो जाए देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम फ्राई किया हुआ छोटी चिंगड़ी मछली को ऐड करेंगे अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे यहाँ पे मैं एक छोटा कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम मसालेदार छोटी मछली बनाने वाले हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे देखिए इसे पकते हुए तीन से चार मिनट हो चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम लास्ट में आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में दो मिनट के लिए और पकने देंगे देखिए दो मिनट हो चुका है और देखिए हमारा एकदम मसालेदार छोटी मछली बन रेडी हो चुकी है अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी मसालेदार छोटी मछली बनके रेडी है अब मैं आपको गर्मा गर्म मसालेदार छोटी मछली को सर्व करके दिखाती हूँ देखिए कितना बढ़िया छोटी मछली बनकर रेडी हुई है और आपने देखा कि इसे हमने कितने नए और अलग तरीके से बनाए हैं और लेकिन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज है तो आप भी इस तरीके से एक बार मसालेदार छोटी मछली घर पर जरूर ट्राई करके देखिए उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग